ज्यांनी राज ठाकरे यांना उत्तर प्रदेश मध्ये येण्यापूर्वी आधी एकदा उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेशातल्या नागरिकांची जाहीर माफी मागावी असं स्पष्ट मतात सांगितलेलं आहे. ते ब्रिजभूषण आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत. ब्रिजभूषण जी, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपका ये स्टैंड इतना गहरा क्यों है? इतना गहरा क्यों है? पार्टी से हटकर ये आपका स्टैंड क्यों है? ये 2008 से है, जब से ये उत्तर भारतीय के नाम पर मजदूरों की, टैक्सी वालों की, टेम्पो वालों की, ठेला वालों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, अखबार वालों के, सिनेमा से जुड़े हुए लोगों को जब से अपमानित करते हैं, तब से ये मेरा स्टैंड है. और ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर वो अयोध्या आना चाहते हैं आवें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन अगर उत्तर भारतीयों के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है, अगर उस पर वो खेद नहीं व्यक्त करते हैं, तो मैं अयोध्या में उनको नहीं घुसने दूंगा. लेकिन ब्रिजभूषण जी, यहाँ पे जो भाजपा के नेता है वो बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ के जो भाजपा के नेता है वो उल्टा राज ठाकरे को अपना समर्थन ही दे रहे, क्योंकि वो भी हिंदुत्व के रास्ते पे ही चल रहे हैं. आपकी वहां की जो सरकार है वो भी भाजपा की है. आप बोल रहे हो कि ये आपका खुद का स्टैंड है, तो आपको लगता है कि जो भाजपा यहाँ पे समर्थन दे रही है वो वहां पे जाके उनको विरोध कर सकती है? मैं कार्यकर्ता होने के पहले उत्तर भारतीय हूँ, और उत्तर भारतीय जो कोई भी है वो अपने राम को अपना वंशज, राम को अपना पूर्वज मानता है. हम राम के वंशज हैं, और उत्तर भारतीयों को जो अपमानित करने का काम इन्होंने किया है, अगर ये खेद नहीं व्यक्त करते हैं तो मैं अयोध्या में इनको घुसने नहीं दूंगा. क्या ये आपका अकेले का स्टैंड है या आपके साथ और भी कोई भाजपा का नेता का आपको समर्थन मिल रहा है? मेरे साथ हर उत्तर भारतीय है. आगे आगे देखिए होता है क्या. आने दीजिए, इतना शानदार स्वागत करूंगा, दुनिया देखेगी. क्या आप भी देखेंगी? क्या आपके इस विषय पे योगी आदित्यनाथ जी से कुछ चर्चा हुई है? उनसे आपने कुछ बात की है कि हमारी भावनाएं दुखाने वाला एक नेता महाराष्ट्र से आ रहा है और यहाँ आने हम... जी कहिए. देखिए, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है. इसने उत्तर भारतीय होने के नाते हर उत्तर भारतीय को अपमानित करने का काम किया है, और मैं इसको अयोध्या में नहीं आने दूंगा जब तक ये व्यक्ति माफी नहीं मांगता है. और साहब, मैं सक्षम हूँ, मैं नहीं घुसने दूंगा. आवे, माफी मांगे, आवे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने अच्छा कहा है, तो फिर भी आप उन्हें आने नहीं देंगे? और अगर आप उनको विरोध करोगे और योगी जी की तारीफ करने वाला योगी एक नेता, जी अच्छे हैं तो अच्छा कहना पड़ेगा, तारीफ करना चाहिए. लेकिन जो पिटाई किया है उन्होंने 2008 से, मारा है, वो घाव कहाँ जाए हमारा? जो हमारे लोगों को मारा, उन्होंने अपमानित किया, वो घाव, उसके लिए खेत तो व्यक्त करना चाहिए. आप कह रहे हो कि आप उन्हें विरोध करोगे, लेकिन वहां तो भाजपा की सरकार है, और इस तरह से अगर आप विरोध करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. तो किस तरह, यानी आपके खुद के सरकार के खिलाफ ये स्टेप हो सकती है? ये सरकार के खिलाफ नहीं है, और ये किसी के खिलाफ नहीं है, राज ठाकरे के खिलाफ है. जब तक वो माफी नहीं मांगते, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा. विरोध यानी आप क्या करोगे अगर राज ठाकरे वहां पे पहुंच भी जाते हैं आपके विरोध के खिलाफ, फिर भी अगर वो वहां पे पहुंचे तो आपका स्टैंड क्या होगा वहां पे? विरोध मतलब आप क्या करोगे? जितना सज धज करके वो आएंगे, उतना सज धज करके उनका विरोध करेंगे. किस तरह से? जितनी ताकत के साथ वो आएंगे उतनी ताकत से उनका स्वागत करेंगे. यानी आप क्या करोगे? आप निकाल लीजिए मतलब ना. नहीं, हम अरे वो निकाल लीजिए, जितना ढोल हम बजाएंगे आने के लिए उतना ढोल हम बजाएंगे रोकने के लिए. तो बता तो दिया कि जितना ढोल वो बजाएंगे घुसने के लिए, उतने तेज ढोल मैं बजाऊंगा उनको रोकने के लिए. सिर्फ आप जैसे कि चक्का जाम करेंगे या फिर सिर्फ घोषणाएं देंगे, किस तरह से विरोध करेंगे? अरे हम चक्का जाम करने वाले लोग नहीं है. हम अकेले हैं क्या चक्का जाम करेंगे? वही हम जानना चाहते हैं कि... नहीं मिलेगा साहब, क्या अच्छा क्या बताएं आपको? अरे तो बताए ना, जितने तेज ढोल वो बजाएंगे उतने तेज ढोल हम बजाएंगे.
अच्छा ब्रिजभूषण जी, अब आप इतना हल्के में मत लीजिए। नहीं 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 ले रहे हैं, इसलिए ही हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या करोगे, किस तरह से आपका ये विरोध होगा, हम आप ही से जानना चाहते हैं, आपके शब्दों में जानना चाहते हैं। अगर वो माफी माफी नहीं मांगे, देखिए हमारे साथ हर उत्तर भारतीय है, मेरा कोई ये व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, मुझसे उनसे कोई नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत मेरा कोई उनसे चिढ़ाव नहीं है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है, जो बोया है वो काटना पड़ेगा, जो नफरत का बीज बोया है उन्होंने काटना पड़ेगा, और उनको अगर वो खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं, आवे भगवान राम सबके हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ 53 साल से कहाँ थे ये अयोध्या नहीं आए अभी तक, क्या बात हो गए भाई, ये 53 साल के हो गए, इनसे पूछे अयोध्या आए हैं कभी? लेकिन जैसे राज ठाकरे आने वाले हैं, जैसे राज ठाकरे आने वाले हैं ब्रिजभूषण जी, वैसे ही उसके कुछ दिन पहले जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनके ही बेटे और महाराष्ट्र के मंत्री भी है आदित्य ठाकरे, वो भी उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, वो भी अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, क्या आप उनको भी विरोध करेंगे या आपका विरोध सिर्फ राज ठाकरे के खिलाफ है? नहीं, मेरा विरोध सिर्फ राज ठाकरे से है, जहां तक मैं जानता हूं उद्धव ठाकरे ने या बाला साहब ने कभी जो है उत्तर भारतीयों के साथ वो व्यवहार नहीं किया जो इन श्रीमान जी ने किया है, और वो मुख्यमंत्री के कैपेसिटी में आए थे, दर्शन करने आए थे, और हमारे ही मित्रों ने उनका स्वागत किया था और वो गए थे, ये भी आते चले जाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ढोल वोल जो बजा रहे हैं ना, ढोल बजा करके आ रहे हैं ना, क्या हो गया 53 साल में आप ढोल बजा रहे हैं भाई, क्यों आना चाहते हैं? एक तरफ हमको भगवान के राम के वंशजों को पिटाई करेंगे आप, मजदूरों की पिटाई करेंगे, रिक्शावान की पिटाई करेंगे, तांगे वाले की पिटाई करेंगे, और फिर उन्हीं के पूर्वज से आप मिलने आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ दिनों के पहले की बात देखें तो भाजपा भी हिंदुत्व के रास्ते पे चलती है, अभी कुछ दिनों के पहले की बात देखें तो मतलब 2 साल से राज ठाकरे ने भी हिंदुत्व का ही मुद्दा पकड़ा है। मैडम आप मुझको भटकाइए मत, नहीं भटका नहीं रहे, भटका नहीं रहे, उनके भाषण है, उनके भाषण है, इस भाषण का कुछ मुद्दा मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ की थी और उसके साथ उन्होंने ये कहा था, जो 2 साल पहले महाराष्ट्र में एक उत्तर भारतीय महापंचायत भी हुई थी, वहां पे उनको इन्विटेशन दिया गया था, राज ठाकरे खुद वहां पे गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा उत्तर भारतीयों को विरोध नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय खुद के नेताओं को क्यों नहीं पूछते कि उनकी हालत आज ऐसी क्यों है कि उनको इतने स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, खुद के ही राज्यों में उनके ये सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? चलिए बहस के लंबी कर रही है, मैं उनसे पूछना, मैं आपको बहस लंबी कर रही है, इतना जो है मेरा मत एक है कि जिनको उन्होंने अपमानित किया है, जिनकी उन्होंने पिटाई किया है, उनका क्या दोष था? मुद्दा तो हिंदुत्व का है, अगर आप नहीं चाहते कि जो पार्टियां हिंदुत्व के रास्ते पे चल रही है उन सबको साथ में आना चाहिए। हिंदुत्व का देखिए मेरा मुद्दा से कोई वो नहीं है, उनका मुद्दा वो राम की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा करें, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, मुझको उन्होंने मारा है और इसलिए जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको आने नहीं दूंगा, मेरे लोगों को मारा है उन्होंने, मजदूरों को मारा है, विद्यार्थियों को मारा है, मीडिया वालों को मारा है, साहब मैं आने नहीं दूंगा उनको, और सक्षम हूं ये भी बता दे रहा हूं, आप बता दीजिएगा उनको सक्षम हूं। कुछ ही दिन पहले भाजपा के एक नेता ने बोला था, महाराष्ट्र के नेता ने ही कहा था कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे का स्टैंड है, इसलिए हम साथ नहीं जुड़ सकते, ऐसा कहा था। तब राज ठाकरे जी ने कहा था कि हम उन्हें सीडी भेजेंगे, मेरे जो भाषण है वो सुनिए, मेरा स्टैंड कभी ऐसा नहीं था। क्या आपको इतनी, भी ऐसी इतनी, सीडी? इतनी लंबी क्या आपको भी ऐसी सीडी भेजेंगे तो क्या आप उसे सुनके अपना जो कहना है उसमें चेंज बदलाव आएगा या आप समझ जाएंगे वो क्या कहना चाहते हैं जो राज ठाकरे कहते हैं? उन्होंने जो कहा वो मैंने सुना नहीं, वो फिर से कह दे कि उत्तर भारतीयों के साथ मैंने जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए खेद है, मैं भी सुन लूंगा, उनका स्वागत करूंगा और कई हजार आदमियों के साथ स्वागत करूंगा। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा और एक सवाल कि महाराष्ट्र में फिलहाल यही चर्चा है कि बीजेपी और मनसे साथ में आ सकती है, जो राज ठाकरे की पार्टी है मनसे वो दोनों साथ में आ सकते हैं जो नगर निगम के चुनाव है उसके ये लिए। मेरा विषय नहीं है, मुंबई में उत्तर भारतीय है ना, उनको आप क्या कहना चाहोगे अगर ऐसा कुछ होता है तो?
क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में भाजपा और मनसे जुड़ जाती है तो क्या कभी मैं, भी मैं लंबी देखिए मेरा इतना लंबा विषय नहीं है, मेरा छोटा सा विषय है। उन्होंने उत्तर भारतीय के नाम पर अपमान किया है, पिटाई किया है, वो खेद व्यक्त करें। और बाकी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मनसे क्या कर रहा है, किसका गठबंधन हो रहा है, ये मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय के लिए ही आपका ये स्टैंड है, तो उनमें से आपके ही कुछ भाई बहन यहाँ मुंबई में रहते हैं, क्या आप उनको कहेंगे कि आप इस हालत में बीजेपी यानी मनसे और बीजेपी अगर जुड़ जाते हैं तो बीजेपी या फिर मनसे के कैंडिडेट को वोट ना करें? तो वो मारना बंद कर देंगे, मतलब वो मारना बंद कर देंगे, यही तो। मैडम ये विषय में नहीं है, मेरा विषय ये है जो मैंने पहले ही स्टैंड लिया है, मेरा विषय ये है। वो तो वो पार्टी का विषय है, पार्टी जाने, मेरा मन है, मैं जो देखा हूँ, अनुभव किया हूँ, 2008 से मैं अनुभव कर रहा हूँ, और उस अनुभव के आधार पर मेरा ये व्यक्तिगत विचार है और व्यक्तिगत मेरा विरोध है, और विरोध करूँगा, बहुत शानदार करूँगा। बाकी पार्टी का स्टैंड जो भी है उसका स्वागत है। ठीक है ब्रिजभूषण जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके जो स्टैंड था वो हमारे पास शेयर करने के लिए।